ऑलराइट सो कल हमने बेसिक इवेंट हैंडलिंग पढ़ी थी। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? जब भी यूजर आपके वेब पेज पे कोई इवेंट परफॉर्म करता है, और इवेंट परफॉर्म करने का मतलब क्या है? क्लिक इवेंट, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ड्रैग, माउस ड्रॉप, माउस ओवर, माउस लीव, माउस एंटर, कीबोर्ड की प्रेस, की अप की डाउन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? इवेंट्स हैं। तो हमने कल एक सिंपल सा इवेंट पढ़ा था, क्लिक का इवेंट। उसकी मैं सॉरी छोटी सी मिसाल अलग से दे देता हूँ, जस्ट इन केस यू हैव अ कंफ्यूजन। हमारे पास कोई बटन है और उस बटन को मैं कह देता हूँ जी टेस्ट। तो ये हमारे पास HTML में एक बटन आ गया। राइट नाउ आई एम परफॉर्मिंग एन इवेंट, मैं कोई इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ क्लिक का, लेकिन उस इवेंट को कोई लिसन नहीं कर रहा, उस इवेंट को कोई लिसन नहीं कर रहा। जब कोई इवेंट को लिसन ही नहीं कर रहा तो कोई एक्शन ही नहीं परफॉर्म हो रहा। यानी मैं इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ लेकिन उस इवेंट के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स, कोई इंटरेक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं ट्रिगर हो रहा। क्यों? मैंने कोई एक्शन इसके साथ एसोसिएट नहीं किया। ठीक, मैंने ये बताना है ना, मैंने बताना है ना ये कि इसके क्लिक पे क्या करो, इसके डबल क्लिक पे क्या करो। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप जिस बटन के साथ, जिस डिव के साथ, जिस सेक्शन के साथ, जिस हेडिंग के साथ, जिस पैराग्राफ के साथ, ये किसी भी एलिमेंट के साथ कोई एक्शन एसोसिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें? उसके साथ कोई इवेंट लिसनर अटैच करें। क्या करें? कोई इवेंट लिसनर अटैच करें। अब अगला सवाल है जी कि इवेंट लिसनर क्या होता है? तो मैंने आपको ये गालिबन कल बताया था कि सिर्फ आप स्पेस देके ना ऑन लिखें, सिर्फ ऑन लिखें। ये ऑन के साथ जितने भी आपको ये वर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं? इवेंट लिसनर्स, या इन्हें इवेंट हैंडलर्स कहते हैं, या इन्हें इवेंट। अब देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑन अबॉर्ट। आपको नहीं पता अबॉर्ट क्या होता है? अगर इन तमाम लफ्जों के शुरू में से ऑन हटा देना, ऑन हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? इवेंट नेम। ऑन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? यानी अबॉर्ट एक इवेंट है और ऑन अबॉर्ट उस इवेंट का लिसनर है। बात समझ आ गई? दूसरा क्या है? ब्लर। कल बताया था ना ब्लर क्या है? तो ब्लर इवेंट का नाम है, ऑन ब्लर क्या है? तो आपको कोई इवेंट लिसनर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ पता होना चाहिए कि इवेंट लिसनर क्या होता है। कि आप स्पेस देंगे किसी भी टैग के अंदर, ऑन लिखेंगे, तमाम के तमाम इवेंट। हमें कौन सा चाहिए? क्लिक का चाहिए ना स्टार्ट में, तो हम कहाँ जाएंगे? तो क्लिक क्या है? इवेंट का नाम। ऑन क्लिक क्या है? तो मैंने बोला था कि अगर हम किसी बटन पर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? उस बटन पे या उस बटन के साथ इवेंट लिसनर को अटैच करें। हो गया अटैच, और कौन सा इवेंट लिसनर अटैच हुआ? ऑन क्लिक। अगर आप ये ना करना चाहें तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, वो बताता हूँ अभी। पहला स्टेप, किसी भी बटन पे, किसी भी HTML के एलिमेंट पे, बटन जरूरी नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है? इवेंट लिसनर अटैच करें। हो गया अटैच। अब ये इवेंट लिसन करेगा, लेकिन वो कल वाली मिसाल, वो लिसन करके करे क्या? ये तो मैंने बताया ही नहीं कि एक्शन क्या परफॉर्म करे, वो भी तो मैंने ही बताना है ना। तो अगर आप सिंपली यहां पे लिख दें अलर्ट और इसके अंदर लिख दें हेलो, ये अलर्ट क्या है? पॉपअप के बच्चे। अलर्ट क्या है? फंक्शन कॉल है, पॉपअप। मैंने ये नहीं कहा क्या आ जाएगा, मैंने कहा अलर्ट क्या है। मैं जितना सवाल पूछा ना उतना जवाब दे, सॉरी माइंड नहीं करना। तो अलर्ट क्या है? फंक्शन कॉल। अब जब मैं ये पूछूं ना कि ये करेगा क्या, तो फिर आप कहेंगे जी पॉपअप आएगा। अब जब मैं यहां पे इसे रिफ्रेश करूंगा तो पॉपअप तो नहीं आया। एग्जैक्टली, पॉपअप क्यों नहीं आया? बिकॉज पॉपअप आने का जो एक्शन है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? इवेंट लिसनर के साथ। इवेंट लिसनर एसोसिएटेड है किसके साथ? बटन के साथ। इसका मतलब है बटन पे क्लिक होगा तो इवेंट लिसन होगा, इवेंट लिसन होगा तो उसके साथ जो एक्शन एसोसिएट है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेट्स सी, इतना सा काम है बस। अब मैंने क्या किया पता है? बटन के क्लिक पे बिल्ट इन फंक्शन कॉल किए, और बिल्ट इन फंक्शन अलर्ट क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है ना, उसका मकसद पहले से डिफाइन है कि अब मैं ये बिल्ट इन फंक्शन के बजाय यहां पे क्या कॉल करूंगा? ये टेस्ट क्या है?
यूजर डिफाइंड फंक्शन कहीं डिफाइन होना चाहिए ना कॉल होने के लिए, तो कहीं डिफाइन है नहीं है ना, तो कर देते हैं, ये डिफाइन हो गया ना। अब अगर मैं जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि एरर आएगा। लेट्स सी क्यों एरर आएगा, जरा देखिएगा। एरर इसलिए आएगा कि जब मैंने टेस्ट के बटन पर क्लिक किया तो उसने वैल्यू को रीड करने की कोशिश की। किसकी वैल्यू को रीड करने की कोशिश की? ये इधर गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट और वैल्यू। उसने कहा जी ये एलिमेंट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वैल्यू कहां से रीड करूं? तो ये वाकई एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने कमेंट किया हुआ। समझ आई बात? तो ये सारी कहानी है बेटा आपके लिए रिविजन की। अब वो एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? एन ए एन। आपको पता है क्यों एन ए एन आया? लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा तो मुझे बताएं मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर क्यों एन ए एन आया? एन ए एन तो तब आना चाहिए ना कि मैं नंबर के अलावा कोई स्पेशल करेक्टर दे दूं या कोई स्ट्रिंग दे दूं इनपुट बॉक्सेस में, तो फिर एन ए एन आना चाहिए। जब मैंने कुछ नहीं लिखा तो फिर एन ए एन क्यों आया? तो आप इतने माशाल्लाह जहीन लोग हैं, आपके मैथ्स में भी मतलब 100 में से 80 नंबर आए होंगे, फिजिक्स में भी आपके 75 में से 71 नंबर आए होंगे, केमिस्ट्री तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है 74 नंबर आए होंगे 75 में से, लेकिन ये छोटी सी कहानी आपको समझ नहीं आई। केमिस्ट्री समझ ली आपने, मैथ समझ ली आपने, तो भाई टेक्स्ट बॉक्स में जब कुछ नहीं होता तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती। अच्छा मैंने ये तो बताया था बेटा कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रिंग ट्रीट होता है। जब मैं एक लेटर लिखूंगा तो ये स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एक है, अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो स्टिल होगी तो स्ट्रिंग ना, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी लेकिन होगी तो स्ट्रिंग ना। जब ये बताया था कि टेक्स्ट बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ट्रीट होते हैं तो फिर ये बताना जरूरी था साथ एक्सप्लिसिटली कि जी जब कुछ नहीं होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो बंदा मैंने ना रात को ना अपने बेटे को एक छोटा सा लारा लगाया। मैंने कहा जी बेटा कल हम चलेंगे स्विमिंग पूल, शायद आपको पता है स्विमिंग सीखने के लिए, 5 साल का या 6 साल का बच्चा। वुड यू बिलीव कि अगले एक घंटे में उसने मुझे स्विमिंग के कोई 500 पोजेस बना के दिखाए। बाबा मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं यूं जंप करूंगा, सोफे पे चढ़ के छलांग लगाना, मैं यूं छलांग लगाऊंगा। ये मैंने बताया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, जब आपको एक चीज बताई तो अगले 500 पोजेस तो आपने खुद भी क्रिएट करने होते हैं ना। आपने इसको ट्राई नहीं किया होगा घर जाके। चीजों को ब्रेक करें, मेक एंड ब्रेक। अब लिटरली अगले जो उसने पोजेस मुझे बताया तो मैं परेशान हो गया यार, मैं तो ये तो मुझे स्विमिंग सिखाने वाला है इसको, मैं स्विमिंग सिखाने के बजाय एक्सप्लोर एक्सप्लोरेशन सर। तो ये एन एन इसलिए आ रहा है कि एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, जब कुछ भी ना हो तो क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। समझ आ गई ये बात? अगर इजाजत दें तो मैं इसको कंप्लीट कर लूं इसी कल वाले काम को। अब आपको समझ आ गया ना थोड़ा बहुत हिंट के इवेंट हैंडलिंग बेसिकली काम कैसे करती है। अब मैं ये मुझे पता लग गया जी कि एन ए एन आने का रीजन क्या है, कि मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, अब मैं लेट सपोज यहां पे पहले मेरी पहली इनपुट वैल्यू यूजर टेक्स्ट बॉक्स से पिक करके कहां जाएगी? ए में। दूसरी वैल्यू पिक करके कहां जाएगी? तो मैं गलती के चांसेस किधर किधर है पता है आपको? या तो यूजर गलत इनपुट दे सकता है, और गलत इनपुट क्या होगी? एनीथिंग अदर देन नंबर, वो क्या कंसिडर होगी? गलत इनपुट कंसिडर होगी ना। अच्छा एनीथिंग अदर देन नंबर होगी तो पहला मसला तो यहां आएगा कि वो पार्स ही नहीं होगी। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग पार्सेबल नहीं है ना, अगर नंबर होता तो वो पार्सेबल होता। तो इसका मतलब है ये वाला पार्स इंट का फंक्शन, पार्स इंट के फंक्शन ने उसको पार्स नहीं किया। जब पार्स नहीं हुआ तो ए में क्या चला गया? स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में चली गई ना। दूसरा, जब दूसरी वैल्यू यूजर से ली गई, इसने उसको भी पार्स करने की कोशिश की, एम्प्टी स्ट्रिंग पार्सेबल नहीं थी, पार्स नहीं हुई, तो बी में क्या चला गया? एम्प्टी स्ट्रिंग,
एट इट्स ओरिजिनल एज इट इज से लिखी, तो ए और बी दोनों में क्या पढ़ा हुआ है आप, एम्प्टी स्ट्रिंग्स। तो इसके बाद में यहां पे ये चेक नहीं कर सकता कि इफ सॉरी रिजल्ट कैलकुलेट करने से पहले ये चेक करो कि ए और बी खाली स्ट्रिंग्स तो नहीं है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग्स तो नहीं है। मैं चाहता हूं जी कि इफ ए इक्वल्स टू, ये एम्प्टी स्ट्रिंग चेक होती है इस तरह डबल कोट डाल के, कुछ भी नहीं है, इसको क्या कहते हैं। मैंने कहा जी कि इफ ए इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग आर, लॉजिकल ऑपरेटर पता है ना, आर आर बी इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर ए या बी दोनों में से कोई एक या दोनों एम्प्टी हो तो क्या करो, तो क्या करो, यूजर को मैसेज दो अलर्ट प्लीज एंटर द वैल्यूज। अब एक मसला आएगा, जरा उस मसले को बाद में देखते हैं। ये एरर आएगा, लेकिन एरर आने के बावजूद एनएएन भी आएगा, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये पहले पता लग गई है बात कि जी ये नीचे जाने से पहले ये चेक करेगा कि क्या ए या बी दोनों में से कोई, या का मतलब ये होता है ना, या ए या बी या दोनों, अगर ए खाली हो या बी खाली हो या दोनों खाली हो तो ये मैसेज देता। लेट्स सी, तो मैंने कहा ना कि एक मसला आएगा कि एन एन स्टिल आएगा। अब नॉर्मली होता है, ये हुआ क्या बेसिकली, हमें कोई ऐसी चीज चाहिए या कोई ऐसा तरीका चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि अगर जाहिर है ये जब कंडीशन इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, ए या बी एम्प्टी होंगे, एक और चीज भी चेक कर सकते हैं, या एम्प्टी हो या इज एनएएन हो। इज एनएएन की कंडीशन पहले चेक करके बताइए ना आपको, इज एनएएन का मतलब क्या होगा कि इज एनएएन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी मैं ये लिखता हूं और, आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और जितने मर्जी जोड़ ले, तो मैंने कहा दिस और दिस और दिस और दिस, मैंने पिकनिक पे जाना है लेकिन तब जाऊंगा या तो मेरे कपड़े नए होंगे या मेरे पास पैसे इतने होंगे कि मैं जाते हुए नए कपड़े लेके पहन के जाऊंगा या मैं साथ और किसी को नहीं लेके ले जाऊंगा या वगैरह वगैरह। यानी आप लेट सपोज कहीं भी कोई भी काम करने के लिए अगर कंडीशन बनाना चाहें या मल्टीपल कंडीशंस बनाना चाहें तो आप जितनी चाहे कंडीशंस बना सकते हैं और उनको चाहे और से मिलाएं या चाहे एंड से मिलाएं। मसलन मैं पिकनिक पे जाऊंगा, मेरे पास पैसे भी होंगे, मेरे पास नए कपड़े भी होंगे, मेरे पास कन्वेंस भी होगी, तब पिकनिक पे जाऊंगा। तो अगर तीनों चीजों को मस्ट होना होगा तो बीच में क्या लगेगा, एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अगर और करना चाहे तो मेरे पास या कपड़े हो या गाड़ी ये कन्वेंस हो या कुछ और हो, या का मतलब तीनों में से कोई एक हो जाए। खैर कहने का मतलब ये कि आप जितनी मर्जी कंडीशन यहाँ क्या कर सकते हैं, मैच करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, इज एन एन ए और इज एन एन बी। अब इज एन एन इज नॉट अ नंबर, यानी अगर ए जो है वो नंबर नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए नंबर होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, तो इस केस में अगर मैं कुछ भी ना डालूं तो ए के अंदर क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी ये नंबर नहीं होगा। तो इज नॉट अ नंबर, अगर ये नंबर नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए नंबर नहीं है ना तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा ना। मैसेज तो बाद, मैसेज तब जाएगा जब अंदर आएगा, अभी मैं सिर्फ इस कंडीशन का आउटपुट दे रहा हूं। इज एन एन बी में क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि नंबर नहीं है, तो बी इज एन एन बी, बी नंबर नहीं है, तो
तो कंडीशन क्या होगी? कौन सी वाली? स्पेस वाली? नहीं, वो खत्म कर दें या ना कर दें अलग बात है, लेकिन हम अभी उसको खत्म भी करके देखेंगे ना। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इज एन एन बी, अगर बी नंबर नहीं है तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। और अगर बी नंबर है तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो अभी ये चार कंडीशंस क्या बता रही हैं? अगर ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो या ए नंबर ना हो या बी नंबर ना हो, यानी इन चारों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो या सारी ट्रू हो तो हमें क्या मैसेज दे? प्लीज एंटर द वैलिड वैल्यू। अब हमारे पास एरर क्या कब आएगा? इन चारों में से कोई एक भी नंबर नहीं होगा तब भी एरर आएगा, इन चारों में से कोई एक खाली होगा तब भी एरर आएगा। समझ आई बात? लेट्स सी। प्लीज एंटर द वैलिड वैल्यू। अब मुझे नहीं पता कि वो वैलिड वैल्यू का मैसेज किस वजह से दे रहा है, नॉट अ नंबर की वजह से दे रहा है या एम्प्टी स्ट्रिंग की वजह से दे रहा है, लेकिन मैंने वो सारी पॉसिबिलिटी लिख दी जिनकी वजह से एरर आने के चांसेस थे। क्लियर है बात? अब मैं यहां पे देखता हूं, स्ट्रिंग लिख के देखता हूं, प्लीज एंटर द वैलिड वैल्यू। अब मैं खाली छोड़ के देखता हूं, प्लीज एंटर द वैलिड वैल्यू। मसला अब भी है, जरा देखिएगा, एरर आ गया ना, लेकिन एन एन फिर भी आएगा, ये क्यों आया? तो पहले तो ये समझ आ गई, ये कहानी समझ आ गई ये सबको। हुआ ये असल में कि इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल अंदर आ गया तो अलर्ट में उसने एरर दिखाया, जब एरर दिखाया तो एरर दिखाने के बाद जो रिमेनिंग दो लाइनें थी उसने वो भी चला दी, जो रिमेनिंग दो लाइनें थी उसने वो भी चला दी। तो रिमेनिंग दो लाइनों में क्या लिखा हुआ था? ए प्लस बी, जाहिर है ए और बी में जो कुछ भी है स्टिल है तो सही ना, एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, तो इन दोनों का एन ए एन इसमें आएगा और वो एन ए एन इसमें साइन हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जब एरर आए तो यहां से आगे ना चले, यहीं से वापस मुड़ जाए प्रोग्राम, यहां से आगे ना चले, यहीं से वापस मुड़ जाए। तो याद रखिएगा एक की वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिटर्न। इसको हम क्या कहते हैं? आपको पता है कि फंक्शन जब कॉल होता है ना, तो फंक्शन यहां से कॉल हुआ ना, तो ये कॉल कहां जाती है? जहां फंक्शन डिफाइन होता है, और वन बाय वन फंक्शन के अंदर मौजूद लाइनों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। याद रखिएगा पूरे फंक्शन के अंदर जहां भी रिटर्न आ जाएगा फंक्शन वहां से आगे नहीं चलेगा, वहीं से रिटर्न कर लेगा। समझ आ गई बात? अब लेट्स सी। अब एरर आया, एरर आने के बाद फंक्शन इधर आया, उसने एरर शो किया, और एरर के बाद क्या किया मैंने? भाई यहां से वापस चले जाओ, और वापस कहां जाएगा? जहां से आया था। आया कहां से था? जहां से कॉल हुआ। रिटर्न का कीवर्ड भी समझ आ गया आपको, एंड दैट्स द प्रॉपर रीजन, दैट्स द प्रॉपर थिंग बेसिकली। अब जब तक आप वैलिड इनपुट नहीं देंगे वो आगे ही नहीं जाएगा। इवन आप ये भी दे दें और ये भी दे दें, स्टिल नथिंग इज इन हियर। और अगर आप दो नंबर देंगे तो सिर्फ वही सूरत होगी कि ये चलेगा। That's it. तो ये जो पीछे जितना कुछ पढ़ा है हमने उन सारों को मिक्स किया। ये समझ आ गई बात सबको? आ गई है? ओके, आज हम थोड़ा सा इससे आगे चलना था बेटा, आपको भी क्लियर हो गया? मैं इसको कमेंट कर दूं अगर इजाजत दें। और बाय द वे टेस्ट नाम अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दो चीजों को ऐड कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? टेस्ट नेम ये है ऐड जी। इधर ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि यार यूजर गलती से या जानबूझकर टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ना दे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ अगर वैल्यू डालें तो उसके लिए कोई और सिनेरियो हमें सोचना पड़ेगा कि वैल्यू डालने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम डाल भी सकते हैं, ऑब्वियसली डाल सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। उसकी मिसाल में अभी लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी मिसाल भी ठीक है।
ये देखिए, ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। इस वक्त हम सिर्फ ये करना चेक करना। अच्छा, ये आप अरबाब आप क्या कह रहे थे कि इन दोनों को अगर हटाएं तो फिर भी चल जाएगा, ऐसे ही कह रहे थे? हाँ, तो मे भी चल सकता है, मतलब ये आपने लॉजिक सोचनी है। लेट्स सी, वो कह रहे जी कि टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, मे बी मैं टेस्ट कहाँ, टेस्ट कहाँ, टेस्ट, अच्छा इधर टेस्ट, ओ ये तो वैसे ही बटन बनाया था, इधर है, मैंने फंक्शन का नाम चेंज किया ना, ऐड, तो जहाँ से कॉल होना है उसको भी। तो लेट्स सी, प्लीज इंटर अ वैलिड वैल्यू, यानी अभी ने कोई वैलिड नहीं दी, ठीक है, फिर मैं ये देता हूँ, ये देता हूँ, ये देता हूँ, यस यू आर राइट, लेकिन एटलीस्ट आपको पॉसिबिलिटी तो पता चले ना कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं और किस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप वाली बात है, बिल्कुल हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई सिनेरियो और सोचना पड़ेगा। अब हम, ये जरा मुश्किल काम हो गया था, सॉरी, जरा इससे आसान काम करके देखते हैं जो जरा इंटरेस्टिंग भी होगा। वैसे मुश्किल तो नहीं था, इंटरेस्टिंग था, अगर आपने इसको थोड़ा सा इसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की हो। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और इसको भी कर देता हूँ, और यहाँ बनाता हूँ एक बटन, बना देता हूँ टेस्ट, और उसके साथ एक इवेंट एसोसिएट कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ क्या जी, टेस्ट। अब टेस्ट नाम का फंक्शन है नहीं कहीं, मैं टेस्ट नाम का फंक्शन आके लिख लूँगा, मैं एक काम करता हूं, एक डिव बनाता हूं छोटी सी, और इस डिव को आईडी दे देता हूं जी बॉक्स, और जस्ट इस डिव को देखने के लिए, ताकि ये नजर भी आए, स्टाइल्स में जाके बॉक्स को जाके विड्थ दे दूंगा 200 pixels, height is going to be 200 pixels, BGC is going to be red. It's not ID, it's not class, it's rather ID. अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये रेड कलर का बॉक्स गायब हो जाए। वो बात की बात है ना, पहले एक काम कर लें तो दूसरा, फिर मतलब पहले डायरेक्शन तो पता लग जाए ना काम होगा कैसे, फिर हम उसको टॉगल कहते हैं कि हम दो बटन बना लें, एक पे क्लिक करें गायब हो जाए, एक पे क्लिक करें हाइट हो जाए, या फिर हम एक ही बटन बनाएं उसी पे एक दफ़ा क्लिक करें तो गायब हो जाए, दूसरी दफ़ा उसी पे क्लिक करें तो हाइट हो जाए, लेकिन पहले हम मैनिपुलेट करना तो सीखें। स्टेप्स बता सकता है कोई बंदा कि क्या करूँगा मैं? सबसे पहला स्टेप क्या करूँगा? गुड, किस पे? डिव पे इवेंट लिस्टनर, बटन पे इवेंट लिस्टनर। दूसरा काम क्या करेंगे? स्टेप वन इज वेरी गुड। अच्छा, इवेंट लिस्टनर लगाने से पहले क्या करेंगे? मतलब बिल्कुल यूं समझा कि मैं ले मैं हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताएं जरा। स्टेप वन ये है कि जावास्क्रिप्ट में रेड कलर के बॉक्स को पहले टारगेट करेंगे, नहीं नहीं मैंने क्या कहा था, जब भी कोई काम करना है सबसे पहला काम क्या है, भाई जिस एलिमेंट के साथ छेड़ना है उसको टारगेट करें, उसको पकड़ें। तो मैं जावास्क्रिप्ट में आके किस एलिमेंट को हाइड करना है, गायब करना है, बॉक्स को, तो मैं क्या करूंगा, और क्लिक पे गायब करूंगा, क्लिक पे गायब करूंगा, तो तभी क्लिक पे गायब करने का क्या तरीका है कि उसे फंक्शन के अंदर रख दें, समझ आई बात? तो मैं चाहता हूँ कि जब बटन पे क्लिक हो तो टेस्ट का फंक्शन कॉल हो, टेस्ट का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, वेरी गुड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको आईडी क्या दूंगा, बॉक्स, और इसको आप एक वेरिएबल में सेव कर दें, उस वेरिएबल का नाम ही बॉक्स दे, समझ आ गई बात? अब जरा बॉक्स को लॉक करके देखें, कंसोल लॉक के बॉक्स में हमें क्या मिल रहा है,
देखिएगा, समझ आ गई बात? मेरे बॉक्स को क्लिक किया तो मेरे पास ये पूरा का पूरा डेव जावास्क्रिप्ट में मुझे मिल गया। अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को छोड़ें, वैसे अगर मैं कहूं कि बॉक्स को गायब करना है तो क्या करेंगे? सीएसएस में जाके डिस्प्ले नन कर देंगे, दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा कोई चीज हमने पढ़ी? या हमने पढ़ी ओपेसिटी जीरो कर दें, या हमने पढ़ी डिस्प्ले नन कर दें, और कोई हल नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि ये पहली दफा ऐसा सिनेरियो आया कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए सीएसएस चेंज करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने वैसे तो नन नहीं करना ना, हमने बटन के क्लिक पे नन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बटन के क्लिक पे नन करना है, तो हमने जो सीएसएस की प्रॉपर्टी नन करनी है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू नन करनी है। तो आज से पहले हमने सीएसएस कहां लिखा था? सीएसएस की फाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर। तो आज हम पहली दफा सीएसएस कहां लिखने लगे हैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो याद रखिएगा कि किसी भी, अब आपको पता है बॉक्स की में क्या पड़ा हुआ है, ये पूरी डिव सेलेक्ट करके मैं किधर ले आया हूं? जावास्क्रिप्ट में। तो मुझे इसका क्या करना है? स्टाइल चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा? बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है? पूरी डिव, साथ में लिखूंगा डॉट स्टाइल। किसी भी HTML के एलिमेंट को जब आप जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लें तो उसकी CSS प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए उसके साथ ये चीज अवेलेबल होती है डॉट स्टाइल। बॉक्स में क्या पड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया कंसोल करके, पूरी डिव डॉट स्टाइल के साथ हमें CSS की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है? तो मैं कहूंगा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू None. समझ आ गई है बात? जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट और डबल कोट दोनों लगा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। डबल भी लगाएंगे, यही कहूंगा। ठीक, सिर्फ इतना काम किया मैंने, और वापस आऊंगा, यहां आऊंगा, बूम। अनक्लिक क्यों नहीं यूज किया बेटा? ये तो पहले यूज किया था ना, देखिए बटन, और बटन के साथ मैंने कहा जब क्लिक हो तो किसको कॉल करो? टेस्ट को। जब ये कॉल होगा तो इधर आ जाएगा, इसके अंदर आके ये क्या करेगा? सबसे पहले उस बॉक्स को गेट करेगा, कल वाला काम। अब मैंने इसकी डॉट वैल्यू नहीं ली, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू तो गेट सेट नहीं करनी थी ना, मुझे वो पूरा का पूरा बॉक्स मिल गया। मैंने कहा उस पूरे बॉक्स पे क्या अप्लाई कर दो? स्टाइल अप्लाई कर दो, और स्टाइल तो बहुत सारे हैं सीएसएस में, कौन सा स्टाइल अप्लाई कर दो? डिस्प्ले का कर दो, और उसकी वैल्यू क्या कर दो? समझ आ गई बात? अब मैं एक और बटन बनाता हूं, और इसे टेस्ट के बजाय मैं इसे क्या कर देता हूं? हाइड, बिकॉज हाइड ही कर रहा हूं ना, और इस फंक्शन के नाम को भी टेस्ट के बजाय मैंने कहा था फंक्शन का नाम मीनिंगफुल रखना है आपने, मैंने फंक्शन का नाम क्या रख दिया? हाइड बॉक्स। लेट्स डू दिस, हाइड हो गया। अब एक नया बटन बनाते हैं और इसको नाम क्या दे देते हैं? शो, और इसे यहां क्या करते हैं जी? शो बॉक्स। और इसके लिए हमें एक और फंक्शन चाहिए होगा, इसको कॉपी और पेस्ट करें और इसको क्या नाम दे दें? शो बॉक्स। इस बॉक्स को करें और इसका जो डिस्प्ले है वो क्या कर दें? जो नॉर्मल उसका डिस्प्ले होता है, डिव का नॉर्मल डिस्प्ले क्या होता है? समझ आई बात? आप जरा देखिएगा, हाँ वो एक तो सवाल उनका भी था, एक ही चाहिए, लेकिन पहले ऐसे समझ लो ना, डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, मतलब सबर ना, अल्लाह पाक हमें सबर भी दे, ये बड़ी अच्छी दौलत होती है। आई अप्रिशिएट योर एंक्शसनेस, आपकी बेसब्री और बेताबी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अप्रिशिएट इस चीज़ को करता हूँ कि जो पढ़ा है वो समझ लें पहले, वो आएगी, वो चीज़ें भी आएंगी, मतलब आप के हाथ में होगी सारी पावर जावास्क्रिप्ट की, जो मर्जी है दनल कर लो किसी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लें पहले। आप तो कल लगाएं जरा, आप सोचें कैसे टॉगल हो सकता है, आपने कहा हॉवर में, मैं उस पर भी आता हूँ।
कैसे टॉगल हो, उसको टॉगलिंग कहते हैं बेसिकली। एक ही बटन पे क्लिक करें तो हाइड हो जाए, उसी बटन पे क्लिक करें तो, उसको टॉगलिंग कहते हैं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कुछ तुक्का लगा दें, जबरदस्त किस्म का ब्लेंडर मार दें, मैं देखता हूँ आपके ब्लेंडर का लेवल क्या हो सकता है। ग्रेट। इफ एल्स लगाएंगे, फंक्शन के अंदर जाएंगे, यानी अब दो फंक्शन नहीं चाहिए होंगे, एक ही फंक्शन होगा, उसके अंदर हम इस बॉक्स को एक्सेस करके चेक करेंगे कि उसकी पहले सीएसएस की प्रॉपर्टी ब्लॉक है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि इफ इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू इज ब्लॉक तो इसे नन कर दो, और अगर एग्जिस्टिंग नन है तो इसे क्या कर दो। वेरी गुड, ये चीज चाहिए जावास्क्रिप्ट में। थोड़ा सा आप अपना सोचना आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बड़े से बड़ा ब्लंडर अगर मार सकते हैं ना तो वो मारे, वो ठीक होगा भाई। इसमें हेजिटेशन नहीं, जल्दी मैं गलत बता दिया क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ, हाँ तो नहीं जाएगा कोई गलत बता दिया आपने, ठीक समझ आ गई बात। मैं बता दूं या दिखा दूं? मैं दिखा देता हूं। मैंने कहा ना ये टॉगल होता है, मतलब एक ही क्लिक पे, मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में चीजों के नाम आना मुश्किल होता है, मतलब किस नाम से सर्च किया जाए। जरा लेट मी हैव अ लुक एट दैट। बेटा आपने क्या बोला था? इफ एल्स, ठीक है, यही चीज चाहिए ना आपको। हाँ इधर आए, माई फंक्शन मैंने टेस्ट नाम दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई डेव को एक्सेस किया उसने, और उसको क्या किया, उसको एक्स में सेव किया, एक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। अगर ये नन है, यानी अगर ये पहले से नन है तो इसको क्या कर दो, एक्स डॉट स्टाइल डॉट ब्लॉक, एल्स क्या कर दो इसको, नन ही लेना। सॉरी क्या आ जाता है, क्रॉस आ जाता है। कुछ सही सी मिसाल सोच रहा हूँ कोई समझ आ रही नहीं। अभी जो आप कर रहे हैं ना कि बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो डिव को मैनिपुलेट कर रहे हैं बटन के क्लिक पे, तो बटन के क्लिक पे दोनों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दें, उसका बिहेवियर कुछ और कर दें, इसका बिहेवियर कुछ और कर दें। यानी एक ही क्लिक पे, एक ही एलिमेंट पे आप 600 एक्शन लगा सकते हैं, जो मर्जी लगाए भाई, एक ही क्लिक पे चार डिव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं वैसे एक छोटी आपके, सॉरी मैं आपके सवाल पे बाद में आता हूँ, याद रखिएगा, मुझे याद करिएगा, आपके सवाल का मैं वैसे एग्जांपल दे दूंगा। मैं ना यहाँ पे ये कहता हूँ जी कि ये जो मैंने बॉक्स जब शो करना है ना, तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ शो ना हो, ये शो होने के साथ साथ में तीन चार काम करे जरा, लेट्स सी। मैं कहता हूँ जी बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट विथ इक्वल टू, नॉर्मल विथ उसकी कितनी है, नॉर्मल कितनी है 200। हाँ मैं कहता हूँ जी कि इसकी विड्थ कर दे 400 पिक्सल्स। मैं कहता हूँ जी इसकी हाइट कर दे कितनी कितनी। मैं कहता हूँ जी इसका बैकग्राउंड कलर कर दे। ये याद रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट में जब आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखेंगे ना, तो दरमियान में जो हाइफन आता है ना, उसकी जगह आप कैमल केस बना देंगे, यानी बैकग्राउंड डैश कलर आता होता है ना सीएसएस की प्रॉपर्टी, डैश की जगह मैं सी को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, बस ये फर्क है, बाकी सीएसएस की प्रॉपर्टी सारी वही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखते वक्त उसे आप कैमल केस बना देते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब मैंने क्या कहा जी, मैंने इसे तीन काम कहे हैं, जो आप कह रहे थे जी कि वो बटन क्रॉस हो जाए, मर्जी कर दें। अब मैंने कहा जी कि जब ये बॉक्स, जब ये करके देखते हैं फिर जरा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैंने कहा हाइट हो गया ना, अब बाय डिफॉल्ट वो बॉक्स रेड था, विड्थ 200 थी और हाइट भी 200 थी। जब मैंने शो किया तो कितने स्टाइल अप्लाई हो गए, जितने मैंने दिए। अब आप ये चाहते हैं कि जब मैं शो के बटन पे क्लिक, नॉर्मल ये हाइट हो गया, जब मैं शो के बटन पे क्लिक करूं तो यहां शो के बजाय कुछ और लिखा आ जाए, या बटन का कलर भी चेंज हो जाए और जो वो ड्रॉप डाउन है उसका कलर भी चेंज हो जाए, यही है ना। अब मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, बाकी तो चेंज कर लेंगे ना आपको, एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म और सारा कुछ वो वही है।
तो अब इसके लिए मैं ये करूंगा कि अब मुझे एक का स्टाइल नहीं चेंज करना, मुझे दो का स्टाइल चेंज करना है, यानी बटन का भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ शो को जाके क्या दे दूंगा, आईडी, और इसको दे दूंगा जी बीटीएन या शो बीटीएन। और ये काम मैं यहाँ पे यूं करूंगा कि जब शो के बटन पे क्लिक हो तो इस आईडी को भी गेट करे और इसको क्या कह दे बीटीएन, और यहाँ पे जाए और btn डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन। अब दो काम होंगे, नॉर्मल ये है, ये हाइड हो गया और ये शो हो गया। अब जो मैंने बटन को कलर चेंज किया है, आप बटन का इमेज चेंज कर सकते हैं, आप बटन को क्रॉस बना सकते हैं, क्रॉस कुछ भी बना सकते हैं भाई, सिर्फ ये लॉजिक समझे। तो समझ आ गई बात, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम नहीं हुआ कि हमने HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस किया और उनको ये जो काम है ना, जो बच्चे ने जवाब दिया और आपने सवाल पूछा, ये काम हम थोड़ा सा जब आगे जाएंगे ना, खुद बहुत फ्लो बनता जाएगा, हमें पता लगता जाएगा कब क्या चीज़ हो सकती है कैसे, थोड़ा सा इसमें काम चाहिए। लेकिन लेट सपोज उनका ज़रा सवाल था तो जवाब देना ज़रूरी था। इट्स नन ऑफ रॉकेट साइंस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आज का जो क्लास का टेक अवे है वो ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट में रहते हुए CSS की स्टाइलिंग चेंज करनी आनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे किसी को मसला तो नहीं है ना? एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अगर ये आपको समझ आ गई तो फिर आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें करने को और सुनने को मिलेंगी। अब मुझे ये बताएं कि